रोना नहीं सबर कुछ नहीं, अल्लाह पाक का खास करा मैं, चलो कुछ नहीं हुआ। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में। भाई को अल्लाह पाक ने बहुत दिया है, अल्लाह पाक मजीद दे। आमीन आमीन आमीन। ये देखें जी, ये अम्मी जान ने ना ये सारे बर्तन धोए हैं, क्योंकि किचन का सारा सामान। भाई जान है तेरा, भाई जान है और मेरी फुफो है। ओ ना मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बात सुना है, ठीक है, तबीयत ठीक है, और अपनी जान का सुना है गुजारा है। कैसे है आपका कमजोर हो गई है, क्या हो गया? अल्लाह पाक ने माशाल्लाह बचा लिया, रोना नहीं सबर कुछ नहीं, अल्लाह पाक का खास करा मैं, चलो कुछ नहीं हुआ। चुप 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 करो, रोना नहीं होता। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो है ना बचा लिया है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। टूट जाती या कुछ हो जाता है मतलब सारी जिंदगी का जो है ना वो हो जाता, अल्लाह पाक का खास करा मैं, चले अल्लाह पाक ने बचा लिया है। हाँ जी, हम गए हुए थे उधर कोटा, तो गए हुए थे ना जानिए हुआ, तो सब नहीं आवे कई कर आए। हां जी, कोई भी नहीं था, कोई उधर बहावलपुर थे, हम उधर कोटा तो थे। हां जी, फिर जो है ना अब ठीक है, तबीयत ठीक है, नहीं आ रही, कमजोर हो गई काफी, चेहरे पे जो है ना चेहरा बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है। जोड़ वाली जगह थी ना, इसी इसकी ज्यादा तो ये जो ना निकल गया था, निकल गया अब सही हो गई है। फिर वो दवाई ली, वो हड्डी जोड़ के पास गए थे, फिर उन्होंने जो ना थोड़ा बहुत दिया, फर्श से गिरी थी, फर्श से एहतियात भी करेगी अपनी, क्योंकि इसको पता है कि पहले ख्वाब ख्याल में नहीं होता हमने भी दो बार चोटें चली हैं, अब तो कौन से चलते हैं, वैसे पांव गीले हो ना फिर बंदा स्लिप होता है। और आप बताएं भाई, आप ठीक हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी उधर, मैंने वीडियो देखी थी जब उधर गए तो आपकी भी तबीयत खराब हो गई थी। मेरी तबीयत, मैं रोटी खाने के बाद ना मुझे दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा, फिर मैंने सारा चेकअप करवाया था, उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कहा आपको कोई एक भी बीमारी नहीं है, पूरी बॉडी के टेस्ट हुए पूरी, उन्होंने कहा आपको कोई एक बीमारी भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो, सिर्फ ये है कि आपने ज़्यादा गर्म चीज़ें खाई हैं, मैदा आपका ठीक ठीक कर गया बस, और कहते हैं आप ठंडी चीज़ें खाओ, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करो तो इंशाल्लाह, फिर मैंने ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल किया और दवाइयाँ भी खा रहा हूँ तो आप माशाल्लाह बेहतर है, अब खाने के बाद जो है ना दर्द नहीं होता। देखने वाले सब बहन भाई भी बोल रहे थे कि मैं असलम की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, कि आप ना ये होटलों के खाने कम खाया करो, बड़ा गोश्त भी कम खाया करो ना, उसके साथ ऐसे हो जाता है मैदे का मसला। बिल्कुल ऐसे। और अम्मी अब्बू वो ठीक थे? हाँ सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। आप
हाँ जी उनको भी ले आया, हाँ जी उनको ले आया, बहुत अच्छे से आए थे, फिर घर आए, फिर अबू अम्मी को ले गए, घर आए तो मैं तो आए तो लगी दिया है, वो हमारे पास जगह नहीं थी, अकरम भाई वाले साथ थे, वो सारे हैं, हाँ जी सब साथ थे, फिर वो जगह नहीं थी, फिर आए अकरम भाई वालों को घर छोड़ा, फिर हम अलीपुर चले गए अम्मी अबू को लेने, बस काल का मेरे ख्याल रास्ते मिला है वो भी कहा, फिर मिस्त्री लगे हुए थे, काल वो मिस्त्री लगे हुए थे, वो गोपे का थोड़ा वार बनाना था, वो किया आज फिर जुमा छुट्टी थी ना, मिस्त्री नहीं आया, तो फिर जो है ना इसके दादा की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसके दादा के पास गए हैं, उसके बाद फिर जो है ना मैंने कहा इधर से भी हो आए, हमने कहा निकलो तो वैसे हुए, चलो इधर से भी होके फिर घर जाएंगे, क्योंकि आजकल सर्दियों के दिन है, छोटे छोटे दिन होते हैं, बिल्कुल जो है ना नहीं मिलता, फिर आपको पता है कि शाम का टाइम होता है, ठंड होती है, ये हमारा मैं अभी 3 बजे खाना बना खिला के फिर गई हूँ दादा, अमीना को मैंने कहा, मैंने कहा अमीना आपने मेरी बहन की टांग तोड़ी है ना, आप रोज लड़ती थी ना, उसकी टांग तोड़ी है, भाई जान तो लगती है, उसकी फिर टांग क्यों तोड़ी है, नहीं आपने तोड़ी है या खुद टूटी है, देखिए आप अच्छा यही था चोहर चला गई, वालेकुम अस्सलाम, ये ना एक किस्म का है, मैंने कहा ये ऐसे ही है, ये तो यहाँ पे चेक थी, कौन आया है मीना, मेरा भाई जान है, मेरी फूफो है, पूरा ठीक, मतलब कि आप चलने लग गई है ना, मैंने कहा थोड़ा सा देना है आप लोगों ने, यार हमें जो है ना वो खुशी हुई है, पहले तो दुख लगा लेकिन बाद में खुशी हुई कि चले ज्यादा जो है अल्लाह पाक ने बचा लिया है, अगर टांग टूट जाती कोई मसला हो जाता फिर तो बड़ा मसला होता, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह का लाख शुक्र, हां इसको ज्यादा मसला होता और मेरे को नहीं होता, इसको ज्यादा मसला होता, ये कपड़े खुद धोना होता, हां मुझे कुछ करना पड़ता है, हमसे ये है ना कि वो उसको रेस्ट मिल जाता, फायदा हो जाता उसका, नहीं ऐसा रेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को, इंसान तो होता है जब चलने फिरने के काबिल नहीं होता, एक दिन हस्बैंड की मुंह फेर लेते हैं, मैं नहीं फेरता, जी हाँ जी हाँ नहीं फेरता, तो हम आधा कहीं मेरा जो मसला बढ़ेगा, बच्चों का मेरा ये तो है ना, जैसे ड्यूटी में जाता हूँ मुझे काम जल्दी करना होता है, ये तो सब कुछ ओके कर लेती है, और अभी अभी आए हो, हाँ बिल्कुल अभी खड़े ही हैं, बस दो बंदे आए हो, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अलग फजल काम से मैं भी फिट फाट, तो जी दोस्तों जिस तरह आप लोगों ने देखा कि वीडियो स्टार्ट हुई पड़ी थी और सबा अहमद वाले माशाल्लाह से आ चुके हैं हाल अहवाल पूछने, और बेगम से, और बेगम को देखो माशाल्लाह कितनी खुशी हो रही है इसको, ऐसे ना भाई आया है कितनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, यही इसीलिए तो कहता हूँ भाई बहनों की जान होते हैं, बस वो ना मैंने भी दुआ सलाम नहीं की, तो जैसे ही भाई भी अंदर आए तो मैंने भी जल्दी वीडियो स्टार्ट कर ली थी, हाँ जी मैंने देखा भी जब कोई आता है तो मेहमानों को बहन भाइयों को भी दिखा देना, हाँ। कि फिर बाद में कि ये ना हो के बोले जो है ना जो आते हैं तो आप लोग तो दिखाते नहीं हो, हाँ, तो इसलिए जो है ना मैंने भी बोला जवेरिया को आप भी कमेरा कैमरा चला दो, सही, फिर मैंने सलाम दुआ की, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, हम भी माशाल्लाह ठीक हैं और हमारे घर में भी सब ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है, सब बहन भाइयों की दुआ है, और मैं जो है ना बस सुबह से जैसे बहन भाइयों ने देखा, हाँ। अभी तक मेरा काम वही का वही है, देख ले सब, हाँ। ये देखे जैसे मैं छोड़ के गया था उसी हिसाब से ये सामान सारा वैसे पड़ा हुआ है, मशीन भी लगी हुई है, बर्तन जो है ना जो है चारपाई पे पड़े है ना ये सब अम्मी ने धोए है, ये वाले, हाँ जी ये देखें जी, ये अम्मी जान ने ना ये सारे बर्तन धोए हैं, क्योंकि किचन का सारा सामान निकाल लिया, बर्तन वगैरह हमारे बच्चन बर्तन हैं तो यही कुछ, ये देखें तो इनको धुलाई वगैरह कर ली, उधर भी अभी तक वो देखें लगी हुई है ये सामान, तो यही है जो सारा सामान
आज सफाई हो रही है। और यार अहमद इसको ना सलमा को बोलो कुछ रेस्ट करे, मैं इसको बोलता हूँ ये कहती है मुझे मैंने रेस्ट का आपको बोला था तरीका कर, वो आप कर ही नहीं रहे फिर। हाँ मैं इसको बोलता हूँ, मैं कहता हूँ यार अभी ना वो टांग का मसला चल रहा है, दर्द होता है रात को ना, फिर बुखार आ जाता है। काम कौन करे ये तो बताओ ना यार, काम ऐसे ना मैंने कहा जितना होता है उतना करो, लाजमी नहीं है सारा अभी जे तो नहीं अभी मेरी सुनो, मैं इतना कहता हूँ कि अब देखो ना खाना पकाना है ना सिर्फ वही कर लो और वो भी चेयर उठा लिया करो, बाकी ये जैसे आप पूरे किचन को खाली कर दिया ये सामान सारा। कहा था कि आप जो है ना एक काम वाली रख लें, वो ये नहीं रखने देती, कोई बात नहीं होती इंसान, वो कौन सा ज्यादा मतलब लेते हैं, 8000 तो रखी रहेगा, और 2-3 हजार की कोई बात नहीं होती, कपड़े वगैरह छोटे मोटे पता क्या है, ये जो YouTube पे जो आ जाते हैं ना उसको इतनी ज्यादा बिजी लाइफ उसकी हो जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें। अब हमारा मतलब इतनी फैमिली भी बड़ी नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल जाने वाले हमने भी रखी हुई है, कि एक तो घर की सफाई अच्छी हो जाती है, अच्छा चीजें जो है ना वो खराब नहीं होती कभी भी, मिसाल के तौर पर आपका बेड सोफा है कभी मिट्टी नहीं लगने देंगे कोई, मतलब आप तो बड़ा घर है ना तो कोई भी चीज है हर चीज वो एहतियात करती रहती है ना, बंदा इधर अपनी लाइफ में बिजी होता है वो ऐसे है ना, वो रखेंगे उसके बाद फिर आपको घूमने फिरने का भी कुछ मौका मिल जाएगा, आप इधर उधर कहीं घूमने फिरने जाया करें, इधर कहीं कहीं के दुख सुख में शादी खुशी में बंदा चला जाता है, टेंशन नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज तो है, लेकिन इसको मैंने कई बार बोला, मैंने कहा सलमा और कुछ ना, चलो झाड़ू पोछे के लिए किसी को रख लेते हैं 2-3 हजार लेगा तो उसको ना, कहती है मैं अपने खुद काम करूंगी, इसको घुटी पता नहीं काम वाली ने दी है। अभी 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 इस, आपकी क्या उम्र होगी अभी, आपकी क्या है 31 साल, 31 साल में से आप तकरीबन मिसाल है 6-7 साल काट दो ठीक है, बाकी बच गए इसके 25 साल, 25 साल से तो काम कर रही हो ना ठीक है, अभी जो है ना वो अल्लाह पाक क्यों देता है, अल्लाह पाक कहता है कि आपने शुरू से मेहनत की है, माशाल्लाह जब कुंवारी थी हमारे घर में थी माशाल्लाह ऐसे ही काम करती रहती थी, ये बैठती नहीं थी बिल्कुल भी, इसकी आदत नहीं है बैठने, आदत बनी हुई है इसकी, तो फिर जो है ना जब जब एक इंसान मजबूर होता है वो एक और बात है, जब अल्लाह पाक देता है वो कहता है कि उसको खर्च भी करो, मतलब अब आपको अल्लाह पाक ने दिया है चले घर आपका हो गया, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसका भी पैसे भी अदा हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा ये भी है ना भाई, आपको जैसे पता है कि अभी हमने इसके मकान के पैसे देने हैं, ये जब हमारे उतर जाएंगे हम रिलैक्स हो जाएंगे, अभी हमारे सर पर हाथी बैठा हुआ है, तो अभी हम वो कहते हैं ना कि हम छोटी छोटी चीज जो जैसे आना जाना घूमना फिरना ये चीजों भी कंट्रोल किए हुए हैं, ताकि हमारे ना पैसे जितना जल्दी हो सके मकान का कर्जा उतारें, उसके बाद हम इजी हो जाएंगे, फिर हमारी मतलब कि ये टेंशन नहीं होगी कि हमने किस्त देनी है मकान की, तो हम इसलिए ना रुके हुए ये काम वाली एक रख ले उसकी सैलरी मैं अदा कर दिया मेरी बहन को सुकून मिले ना तो फिर जो है ना अल्लाह पाक बेहतर करे, उसको हर महीने तनख्वाह मैं दे दिया करूंगा, बल्कि मैं आप नहीं रखेंगे मैं कल या परसों ना उसको खुद ही भेज दूंगा कि आप जाके इसके घर में आपने काम करना है। अच्छा उससे तो पूछो, उससे तो पूछो क्या, जब भाई कह रहा है तो आप इनकार तो नहीं करेंगे। ये पता है क्या असल में, असल में अहमद असल में पता है क्या, ये डरती है, एक कहती है कि एक तो मैं मोटी हो जाऊंगी, दूसरा जो है ये कहती है कि मैं अगर बैठ गई तो फिर ना मुझे बीमारियां लग जाएंगी, ये फिर सुबह से शाम तक लगी रहती है। मैं इसको कहता हूँ कुछ नहीं होता बीमारियां, ये है कि बंदा खुद वो तो खुद बैठ जाता है ना जो इंसान, हाँ उसके पास जाना है ये तो फिर जो है ना वो हो जाती है, लेकिन ये तो नहीं अब वो सारा काम तो वो नहीं करेंगी ना, लेकिन ये है चले जो सर्दियां अभी भारी भारी काम है बच्चे होते हैं चले वो कपड़े धो लेंगी बर्तन वगैरह धो लेंगी, बाकी तो सारा काम झाड़ू वगैरह लगा देंगी, यही उनका काम होता है सफाई का होता है या बर्तन या कपड़े धोना है, बाकी काम तो ये अपने करते रहेंगे। चलो फिर सलमा ओके करो भाई, वो सैलरी ये देगा हमें कोई टेंशन नहीं, फायदा हो जाएगा। नहीं लोगी नहीं नहीं भाई से भाई ते ज्यादा भाई ने इतना बोल दिया। हाँ वैसे वैसे ऐसे ही है लोग सोख ते वना जाना आता भाई के नहीं बात भाई ने इतना अमीना मशीन चाबी लगा दो उसकी मशीन की, भाई ने इतना बोल दिया है इतना मेरे लिए मतलब के परेशान है इतना मेरे मतलब के वो है ना तो मेरे लिए इतना ही काफी है, बाकी जो है ना काम जो है ना वो मैं भाई से पैसे क्यों लूँ उसके लिए, अल्लाह पाक का शुक्र है सब कुछ है, मेरे भाई को अल्लाह पाक ने बहुत दिया है, अल्लाह पाक मजीद दे। आमीन आमीन आमीन। और बाकी जो है ना अपने बच्चों में अपने
आपके कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ। जो भी परेशान होता है, जिनके भी हालात ऐसे होते हैं ना भाई, सबकी जो है ना मतलब होता है, ये चीज तो है, ये तो है। हमारे भी पहले जब हमारे भी हालात ऐसे थे तो भाई ने बहुत हमारी जो है ना हमारे लिए बहुत कुछ किया था। हाँ। लेकिन उसके बाद जो है ना अभी अल्लाह पाक का शुक्र है हमारे पास भी सब कुछ है। अगर हम रखेंगे तो पैसे भी खुद दे सकते हैं। वैसे ये मेरी, मैं आप खुद जिद कर रही थी, मैंने बोल रही थी सब घर वाले कहते हैं कि रख लो, चलो तेरे कपड़े धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, खाना वाना, बाकी काम तो मैं खुद कर सकती हूँ ना। हाँ। तो बस मैं नहीं मान रही थी। आप पे कोई भी बच्चे बीमार हो जाते हैं या कोई एक आधा बंदा बीमार हो जाता है, मतलब उसमें बिजी हो जाते हैं, चले वो अपना काम जो है ना वो करती रहती हैं। ये है कि आपकी सफाई जो है ना वो बिल्कुल मुकम्मल हो जाया करेगी डेली की, कपड़े शपड़े धुल जाया करेंगे, हर चीज आपको काफी जो है ना, जब एक बार रख लोगे ना फिर आपको मजा आ जाएगा। ये पहले पहले होता है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन सही है, सही है। चलो जी, जो देखने वाले बहन भाई हैं उन्होंने इस वीडियो पे जरूर कमेंट्स करके बताना है कि अहमद भाई की बात ठीक है, मान लेनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सलमा जो है बोलती है कि नहीं रखना, लेकिन आप लोगों ने आप बोलना है, बताना है कि कोई मुलाजमा रखें या नहीं रखें। हाँ हाँ, ये कमेंट्स में सब जरूर बताएंगे। मुझे तो यही उम्मीद है, क्योंकि हर बंदा जानता है, मुझे तो यही उम्मीद है कि जो सलमा की कंडीशन है, उसके अलावा जो माशाल्लाह फैमिली है, जो घर का काम काज है, हर चीज को देखते हुए ना, अब सलमा कपड़े भी सिलाई करती है, तो इस हिसाब से वो सब यही कहेंगे कि अच्छा है आप एक रख लें, चले हेल्प हो, एक हेल्पर के तौर पे भी रख लेना, वो भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे हेल्पर हो, ये आटा गूंद रही है वो सालन बना रही है, या वो आटा गूंद रही है ये सालन बना रही है, वो कपड़े धो रही है वो बर्तन धो रही है, एक हेल्पर के तौर पे वो भी काम करती रहेगी, ये भी करती रहेगी। क्योंकि अम्मी जान अभी उनकी उम्र जो है ना वो काम करने की नहीं है। हाँ। अब हमारी अम्मी जान है बिल्कुल भी कोई काम नहीं करती, बिल्कुल भी। मिसाल के तौर पे एक गिलास भी उठाना है ना, उसको हम धो के फिर उसको देते हैं, अच्छा यही चीज है ना, तरबियत मामी मामे की इतनी दी है इसको, कि इसी तरबियत की वजह से कि ये भी अम्मी अब्बू को और घर के इसलिए कहती है, नहीं मैं अपने हाथों से करूंगी, मैं सब घर का काम अपने हाथों से करूंगी, मैं किसी को क्यों बोलूं, मैं मतलब ऐसे ये इसकी सोच है। तो हमारे घर का तो सारा काम तकरीबन ना वो काम वाली करती है, जो हमारी बाजी आती है ना वो सारा काम, कभी कभी तो समझ ले खाना तक भी बना जाती है। सही। बिल्कुल हमारा कोई काम नहीं होता। ये है कभी हमने कोई चीज किसान की बनानी है खुद, तो वो हम खाना बना लेते हैं, या इसका काम है अपने बच्चों को संभालना। हाँ। बच्चों को भी सुबह रेडी करके जाते हैं, नहला के जाते हैं, कपड़े इस्त्री करके जाते हैं, धो के जाते हैं, सफाइयां करते हैं, हर चीज वही करके जाते हैं। फिर भी अगर शाम के टाइम की जरूरत है या कोई मेहमान भी आ गए फिर हम उनको बुला लेते हैं, उनको फिर खर्चा पानी दे देते हैं, चले उनका भी रोजगार चल रहा है, तो फिर जो है ना हमारा भी काम अच्छा चल रहा है। चलो जी, बातें तो होती रहेंगी, बातें बहुत ज्यादा, और सब्बा ने मेरे ख्याल से 10 उबासियां ले ली हैं आज, इसको नींद आई हुई है, सब्बा को नींद आई है, रात जागती रही है, क्या जागती रही हो? हाँ। बस यही वजह है, आओ बैठो, बाकी ऐसे खड़े खड़े ना सही सही सही। फिर ये छोटा बच्चा है, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद उठ जाता है। अच्छा, अक्सर बहन भाई बोल रहे थे कि ये जो हसन जो है ना बिल्कुल सलमा की तरह है। सौजर उसकी फूफो है। बच्चे फूफो पे चाचू पे नहीं है। हाँ। सलमा की तरह नहीं है ये, डोरी सी नाक है ना, ये अहमद की तरह है और बाकी शक्ल मेरी तरह है। ये तो अपने हक के लिए बड़ा लड़ता है। सलमा नहीं लड़ती, सलमा रोने लग जाती है। नहीं नहीं, सलमा से पूछ सकते हो, सलमा मैंने आपको कभी टेंशन कोई दी? नहीं, मैं और ये रोना कि ये कोई टेंशन की बात नहीं, वैसे एक बात बोल रहा हूँ ना। हाँ, कोई ऐसे टेंशन बंदे को होती है, मैं तो आपको यही बोलता हूँ ना कि जो आपका दिल करे वही करो, नो टेंशन। नहीं, मेरे को कभी ना, मतलब कि ये टेंशन तो कभी भी नहीं। चलो बिठाओ, आप बैठे चले अंदर। ये ऐसे खड़े खड़े ना दिन गुजर जाएगा, अंधेरा वैसे हो रहा है, शाम दिन गुजर गया, पता करने आए थे। तो असल में ये है कि हमें अभी जाना है वापस,
कहाँ जाना है? पता करना है, पता हाँ, कोई चाय बोतल, कोई रोटी छोटी है पीछे ना, वो है वो बंदे मजदूर, वो अपना अपना मुंशी भाई हो गया, मामू जान हो गए, हाँ। अबू अम्मी भी सारे खा रहे हैं ना, हाँ। तो फिर खाना वगैरह भी बनाना है हमने जाके। सही। तो बस ये बड़ी मुश्किल से हमने टाइम निकाला, क्योंकि हमने कहा जाना तो लाजमी है ना। हाँ। ये पता है क्या, सलमा बोल रही थी कि भाई वाले आए हैं, वापस आ गए हैं। मैंने कहा हाँ वीडियो देखिए, अब आ गए हैं। कल का पहले कोटे तो गए थे, उधर से हम वापसी आ रहे थे तो अबू जान का फोन आ गया था, कहता बेटा हमें ले जाओ। सही। तो हम इधर पहुँचे, इधर अक्रम वालों को छोड़ा, फिर हम चले गए थे जतोई। इधर करीबन हम रात को 1 बजे पहुँचे हैं, फिर 1-2 घंटे सोए, सुबह 7 बजे फिर रवाना हो गए। सही। फिर अबू अम्मी को लेके करीबन 9-10-11 बजे तक यहाँ पे पहुँचे। कल फिर मिस्त्री थे, वो थोड़ा काम करवाना था, उसमें बिजी रहे। उसके बाद आज फिर हमें टाइम मिला। और बहुत सारे पता है क्या, बहन भाई भी बोल रहे थे कि भाई वाले नहीं मिलने हैं। फिर हमने वीडियो में बताया सलमा को, मैंने कहा जवाब खुद दो, मैं जवाब दूंगा तो शायद ना माने। तो इसने बोला, इसने बोला कि सब ने कॉल है, कि कॉल पे फोन करके पूछ लिया था, लेकिन है इधर नहीं, दूर है, तो इसलिए फिर वो आ ही जाएंगे। पता है क्या होता है, मसला उनका होता है जो मतलब वीडियो वगैरह नहीं बनाते। हाँ। वीडियो में तो जैसे आपको हर कंडीशन का पता चल जाता है, हर किसी को कंडीशन का पता चल जाता है। तो अगर मिसाल मसला कुछ ज्यादा होता है उस टाइम, तो फौरी फिर सब ही आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब आ जाते हैं, या कॉल हो जाती है, बात हो जाती है। हाँ। तो फिर हम कोट अड्डू में थे, उसके बाद जैसे हम घर मतलब पहुंचे, हाँ। फिर हम जतोई पहुंचे, फिर आपकी वीडियो आई, माशाल्लाह सिस्टर ठीक थी, बेहतर थी, थोड़ा चल भी रही थी। हाँ। तो हमने हमें तसल्ली हो गई कि चले अभी सिस्टर चल रही है, चले फिर हम जाएंगे पता कर। जिस दिन सिस्टर गिरी है ना, उस दिन अहमद की तबीयत खराब हो गई थी रात को, फिर इसको अल्ताफ भाई ले गए थे डॉक्टर के पास। फिर मैंने वीडियो देखी, फिर मैंने जब इसको देखा किसकी कंडीशन की साल में, फिर कुछ मुझे बेहतर लगी, फिर जाके मैंने इसको बताया, मैं ज्यादा टेंशन ना ले लें। तो फिर बाद में मैंने इसको बताया कि सिस्टर गिर गई है, मुझे काम का मसला हो गया। हाँ, मैं खुद डर गया था, मुझे कॉल तक नहीं की, मैं ड्यूटी पे था, मुझे किसी ने कॉल नहीं की। शाम को जब आया तो अम्मी ने बोला ऐसे बेगम तेरी गिर गई है, तो मैंने कहा मुझे टाइम से तो बताते ताकि मैं जल्दी से ले जाता, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है। फिर ले गया उधर एक्सरे वाले के पास, उसने टांग का एक्सरे किया, उसने बोला टूटी नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है, तो इसका जोड़ जो है वो हिल गया है, तो वो फिर किसी हड्डी वाले के पास चले जाओ, वो जोड़ देगा। तो फिर जब हड्डी वाले के पास, उस दिन मैं गाड़ी ढूंढता रहा, कहीं गाड़ी नहीं मिली, आपकी गाड़ी कोटडू थी, असलम पत्नी कहीं गया हुआ था, गाड़ियाँ मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा आज की रात माजरात, अगले दिन फिर चलेंगे। फिर मैं अगले दिन गाड़ी ले आया, तो लेकर गए उधर डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने फिर इसकी जो चीखे कटवाई ना, इसकी धड़ें निकली, इसका ना पूरी टांग को ना ऐसे खींच खींच के जोर लगा के इसकी टांग को सिला। हाँ, तो उस वक्त तो ना करता तो सारी जिंदगी का दर्द था ना। हाँ, सारी जिंदगी का। और वो बोल रहा था कि इसकी ऐसे है ना टांग, ऐसे सीधी है, वो अगर जोड़ ना करते, अगर सीधा ना करते तो ऐसे टेढ़ी नहीं होती, ऐसे वो ऐसे ही रहती। अल्लाह पाक ने हर चीज को एक स्टेबलाइज ऐसे सिस्टम से बनाई है कि हर चीज थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए बाल के बराबर, फिर भी इंसान को तकलीफ शुरू हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो है इंसान, 1 मिनट का भरोसा नहीं है, 1 सेकंड का भरोसा नहीं है, क्या से क्या हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलो जी, और यार चाय वगैरह, चलो चाय तो हो जाए। चाय अभी पी है, मुंह से हवा आ रही है चाय की। चलो बोतल मंगवा ले। ये हुआ, हम आ रहे थे तो इसके दादा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अच्छा। तो हमने कहा उसको पता नहीं यहाँ दर्द हो गया था बहुत ज्यादा, मैं डर गया, मैंने कहा वो नाले जान को भी अटैक हुआ था ना। हाँ। तो उसको भी ऐसे दर्द हुआ था। फिर ये है कि जिसको अटैक होता है ना, उसको यहाँ पे दर्द होने के बाद बाजू में भी दर्द होता है। हाँ। इस बाजू में। हाँ। तो मैंने पूछा, कहते बाजू में दर्द नहीं है। हाँ। तो फिर वो उसको ले गए थे शहर, जैसे हम पहुंचे वो भी दवाई लेके आ गए। तो उसको फिर हमने उसकी खैर खैरियत पूछी। सही। उसके बाद फिर हम यहाँ पे चले, उन्होंने फिर चाय वगैरह पिला दी, अमरूद वगैरह खिला दिए, इस तरह मतलब फुल है। आप फुल हो? हाँ। तो सलमा भाई तेरा कहता है कि हम फुल है, ये सबक मिर्च ही दे दो। हाँ मिर्च खा लो। वो मैं तो कह रही थी कि दूध भी पड़ा है घर में, मैं सिलेंडर से जल्दी से बना लेती 2 कप अगर पीएंगे तो। असल में चाय वैसे आपको पता है शौकीन नहीं है, गर्मियों में पीते थे बोतलें, अब सर्दियों में तो नहीं पीते, गर्मियों में बोतलें पीते हैं, चाय तो नहीं पीते। मैं अब क्या खिलाऊं ना, भाई आए घर तो और बहन कुछ ना करे, ये नहीं कुछ भी नहीं, अल्लाह खैर करे, कोई ऐसी मसला नहीं है। तो फिर आ जाएंगे, अभी टाइम का थोड़ा इशू है, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे ना टाइम निकाल के, जैसे पिछले दफा टाइम निकाल के आए थे। सही सही। तो इस तरह अभी वो जो है ना अबू अम्मी को नहीं बताया ना, क्या पता अम्मी अबू के साथ आते हैं तो उनको ऐसे नहीं बताया, वो अचानक आई काल के इसके दादा की ना तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा।
फिर उसके लिए हम गए ना उधर, फिर वो माशाल्लाह अभी बेहतर से दवाई वगैरह दे रहे थे, उसके बाद फिर हम यहाँ चले आए। मैंने सुबह बताया था अम्मी को और अब्बू को, मैंने कहा सिस्टर के साथ ना ऐसा हुआ है, उनको भी नहीं पता था। सही सही। हाँ वो कौन सा वीडियो देखते हैं, जो वीडियो देखते हैं उनको तो पता नहीं है ना, तो इस वजह से फिर बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, वो थे भी उधर, वो तो कल आए हैं इधर। सही सही। चलो कोई नहीं, बहुत शुक्रिया आपका आने का और बहुत खुशी खुशी होती है। उसके बाद जो है ना आप ये कल या परसों काम करें, नहीं तो मैं पूछ देता हूँ आपके काम वाली रख लें हेल्पर के तौर पे, इंशाल्लाह फिर ऐसा ऐसा ना सिस्टम बन जाएगा कोई नहीं। वैसे भी अभी जो है मैंने पता क्या किया हुआ है, मैं ड्यूटी से जैसे आता हूँ ना, छोटे मोटे काम मैं इसके करा देता हूँ, मतलब इसके साथ हेल्प कर देता हूँ कि यार चलो मेरी तरह से जितना हो सकती है। मैं मर्द के हिसाब से जो होता है ना, औरतें का और हिसाब होता है मर्द का, और मैं मुझसे जो होता है मैं करता हूँ ताकि इसको ना कुछ रिलैक्स मिल जाए। हाँ चलो जी, माशाल्लाह इधर ये लोग आए हैं और हमें अभी यार वो उधर ऊपर सिस्टर से भी मिलना है यार, उधर भी मिलना है। चलो जी, अभी याद आ रहा है कि एक सिस्टर ऊपर भी सुन रही है सारी बातें, एक कहेगी एक बहन के पास आया फिर चला गया, मैं ऊपर बैठी हूँ इसलिए नहीं आया। चलो सही हो गया, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आप लोग आए और बहुत ही अच्छा लगा हमें। परेशानी हो जाती है। वो जब जा रहे थे ना उसकी वीडियो में अम्मी रो रही थी। मैं के ओ छुट्टी पे तो सामने निकल के उसे फांदो चलो जी, माशाल्लाह से बातें गपशप होती रहेंगी। अजान हो रही है, अजान सुन लें फिर मिलते हैं आप लोगों से, अजान सुन लें उसके बाद फिर मिलते हैं। जैसे बुखार आ गया था फिर आ जाएगा, इसको जो है रहने दो, ये सुबह ही कर लेना, अभी सफाइयाँ इसकी करोगी धुलाई करोगी ऊपर से फिर सर्दी लग जाएगी। फिर ये खाना तो बनाना है ना, ये सारे वो जो बर्तन फरीद है ना उधर से कोई उठा लो, वो तो हमने नहीं, ये जिसमें ये देखो पतीला है इसमें चाय बनेगी और यहाँ पर भी इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ये छोड़ दूँ क्या होगा इसके साथ, देखो ऊपर से फिर ये मशीन लगाई हुई है, ये देखो इतना बंडल लगा हुआ है कपड़ों का, और ये भी तो बिजली का रोला था ना, नहीं तो सुबह के वो देखो बस ये चादरें ही धुलाई हुई है बस, ये देखो। हाँ जी ये देखें जी, ये चादरें सब धुलाई हो चुकी हैं, लेकिन यार फिर भी सर्दी, अब कितनी सर्दी पड़ रही है, सर्दी है कोई पता नहीं है, रात पता नहीं मेरे को क्या हो गया, बुखार आया हुआ था, मैंने चेक किया, मैं ऐसे हाथ मैंने लगाया इतनी गर्म, मैंने कहा बुखार आया हुआ है, गोलियां जो खाई थी ना उसकी वजह से बुखार बाहर निकला, थकावट और दोबारा जिससे ऐसे यकदम फिर शुरू हो गई, तो फिर ऐसा ही है। फिर ऐसा करती हूँ ना, कपड़े जो धुले धुल गए हैं इनको मतलब के डाल देती हूँ तार पे, और बाकी जो रह गए हैं वो सुबह धुले ही करूँगी, और ये जो बर्तन इनको अभी धो देती हूँ, मतलब इनको नहीं छोड़ना। इसको फिर ऐसा करो, अमीना को बोलो वो कर देगी। अमीना है कहाँ? अमीना को आप बोलो ये मानती है, तो मैंने तो सुबह का बोला था अमीना नहीं, मतलब कि वो अम्मी धोती रही सारे। अम्मी धोती रही। दूसरा जो है ना मजे की बात है, अम्मी की जो भी वक्फिया थी ना, अम्मी बाहर जाती है तो सबको अम्मी ने बताया, जो मेरी बहू को जो है ना चोट लग गई, तो जो है ना इस तरह जैसे होती हैं जिसके साथ आना जाना होता है ना, तो कोई दुख हो तो कोई ना आए, तो इस तरह जो है ना हम औरतों की आदत होती है, उनको कहते हैं हाँ हम पे ये दुख आया है, आप लोग हमें पूछने नहीं आए, तो इस तरह हम ही बाहर जो है ना जिनको बात करती थी ना, हाँ बोला माशाल्लाह मेहमान आ जाते हैं मेरा हाल वाल पूछने के लिए, आगे देखते हैं ये तो भाग दौड़ रही है, फिर जो है ना उनके साथ भी टाइम जो है ना जो भी आ जाती है, जब तक जाती नहीं उनके साथ भी बैठना पड़ता है, तो इस तरह अच्छा नहीं लगता कोई। मैं यही कहता हूँ, या फिर ऐसा करो पानी गर्म कर लो उसके अंदर जल्दी जल्दी से, फिर जरूरत की चीजें हैं उनको फिर कर लो, जो खाना पकाने के लिए, बाकी जो है रहने दो, फिर सुबह कर लेना, धूप निकल आएगी फिर। सही है, सारे में चाल
फिर इसकी वो जो सेटिंग मैंने किचन तो सारा साफ कर दिया, देखा है मैंने टोटल साफ है। तो बाकी जो है ना उस पे जो है ना अभी बर्तन सेटिंग करने वाले अभी पड़े हैं, बस फिर वही कर लो, वो सर्दी का काम नहीं है, वो अंदर किचन में ही है ना, लेकिन ये सर्दी का काम है, इसको छोड़ो। हाँ, और इधर जो ये देखे जी, ये सब बंडल पहले भी मैंने दिखाया, ये सब जो है बर्तन सारे इकट्ठे कर लिए, निकाल लिए, और अहमद की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोले जा रहा है, भाभी को और भाई से बातें कर रहा है, गपशप कर रहा है। इधर देखें, ये देखें किचन की जो है टोटली सफाई कर दी है, ये देखें ऊपर से भी, ये सब इसने ना आज सुबह से लगी हुई है इस काम में, नीचे भी। तो नीचे जो है ना, नीचे बहुत कचरा था इधर, मतलब के हम नहीं करते थे ना। हाँ, जैसे के देखे, अब साफ हो चुकी है। हाँ, ये नहीं खुलेगी तो ये जो है ना, मैंने सब सामान निकाल के ना सब सफाई की, फिर से सेटिंग जो है ना, बस इधर जो है ना वो सामान कुछ रख दिया है, ये देखे अभी बाकी बर्तन ले आती हूँ, चलो वो रख देती हूँ। हाँ। और दूसरा काम माँ, बाकी जो सर्दी का है वो ना करो, रात भी ऐसे ठंड ना गई थी, सुबह कर लेना। फिर जब धूप आई, ये लेकर आए थे मेरे लिए फ्रूट, ये देखे किन्नू माल्टे। और मैंने उसको बोला कि कुछ खा लो, कुछ बना लेते हैं, वो तो मानते भी नहीं, चाय भी नहीं पीते, कहते हैं अभी अभी पी के आए हैं। सबा राजी, राजी के आया है ना, सबा के मतलब के माँ बाप के घर गए थे ना। हाँ। इसलिए उन्हें बोला अभी चाय पी है। चलो सही हो गई। तो जी दोस्तों, बाकी जैसे रूटीन है वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। और अबू जान जो है उनकी तबीयत थी रात को, उनको भी बुखार आया हुआ था, अभी जो है पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू जान, सुनाओ आप बुखार है? बुखार नहीं है, खांसी है। खांसी? मेरे हाथ ठंडे है ना, इसलिए मैंने ये दस्ताने पहने हुए हैं। अच्छा, दूसरा क्या नाम है फिर? वो खांसी वाला सिरप, वो गर्म पानी करके ना वो फिर देते हैं। खाना खाया? खाना खाया करें, ताकत आएगी, बहुत ज्यादा ताकत आएगी। हाँ यही है ना, वो खाना खाने से थोड़ा कमजोरी, बुखार भी। हाँ, एक दिन ना खाने से कितनी ताकत खत्म हो जाती है बंदे की। कोई नहीं, खाना वगैरह भी खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। और इधर बच्चा पार्टी देखे, ये अपनी चीजें ले आए ले आए हो? देख ची। हाँ जी, और इधर अबू जान जो है टीवी उनकी रखी हुई है। और एक सिस्टर बोल रही थी, एक या दो तीन सिस्टर बोल रही थी कि ऐसे ना रखना, लोहे की है तो ये ना हो कि पेटी लोहे की होती है ना तो वो फिर करंट ना छोड़ दे। तो कुछ बोल रही थी कि इसके ऊपर ना वो रख देना कोई प्लास्टिक की शीट या लकड़ की शीट, वो रख देना उसके ऊपर रख देना। तो अभी जो है उसको ना सेटिंग करेंगे। अब वो कहता है कि अभी रहने दो, बाद में करना, उस वक्त बोल रहे थे लेकिन फिर वो रोक दिया, कहते नहीं करो। तो दूसरा एक सिस्टर थी, ताहिरा नाम है उसका, वो बोल रही थी कि मेरा आज उसका बर्थडे है, तो उसको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे ताहिरा फ्राम कराची। और वो भी मेरे व्लॉग शौक से देखती है, तो थैंक यू सो मच सिस्टर, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और इसी तरह आपकी ज़िंदगी में हज़ारों बर्थडे आएँ, हमारी दुआ है, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। तो एक सिस्टर थी, उन्होंने बोला कि मेरी भांजी या भतीजी ऐसे कमेंट्स में बोला था कि उसको ना आपने विश करना है, ताहिरा नाम है उसका, तो आप सब ने भी बोलना है हैप्पी बर्थडे ताहिरा। थैंक यू सो मच के आप लोग मेरी वीडियो देखते हो और वो भी मेरी वीडियो देखती है, तो मेरी तरफ से हो गया। और ये देखें, ये भी आ गए और ये मेरे ख्याल जा रहे हैं आप। अब जी आपकी तैयारी हो गई? हाँ जी, ना खाया ना पिया और गोया। बाय बाय, बात हो गई है ना। हाँ। खाने पीने का भूखा तो कोई नहीं था, सिर्फ इखलाक का जो है ना भूखा, बिल्कुल। तो हंस खेल के जो है ना हमारी गपशप लग गया, बस जा रहे हैं घर। अच्छा, ये देखें ये कितनी प्यार दे रहा है मुझे, ये तो फेवरेट बच्चा है ना, इखलाक भी दे रहा है। हाँ, अब वो देखो उसको, इखलाक देगा थोड़ा। नहीं, उसकी मैंने वो वीडियो में ना, आपकी वीडियो में कर रहा था, उसको चुमिया ले रहा था। हाँ, चलो जी, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप दोनों का आने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला। इसी तरह प्यार करते रहें, प्यार बांटते रहें और हमेशा खुश रहें। माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। न तो रखा है चा, अम्मी कहती है नहीं तो रख देना हमारे सलाम दो, फिर वापस दे देना। बात करे तो उन्हें ना जबरी
सही है सही है। अम्मी मैंने सलमा करो का और आप शुरू हो गई लाजमी खीर बारे पाना खीर पालना चाह पका लाजमी सही सही ना बस आप रहने दो इनको ना ना दो बाकी बस ये आ गया है तो अब यही है आपको भी सर्दी लग जाएगी फिर आप भी ऐसे सर्दी में कांपती रहोगी। अमीना ये देखो अम्मी परेशान हो रही है भाभी तेरी परेशान हो रही है बात सुनो पहले बात सुनो वो दोनों सर्दी में काम कर रही हैं आप क्यों नहीं करती आप धो दिया करो बुखार चढ़िया हुआ आप तो अपने काम के लिए बुखार चढ़ जाता है आप तो फिर नाटक करती हो ड्रामेबाज हो कपड़ों का लगती रहती है फिर कपड़े अच्छा आई ओ ओ सोना पुत्र प्यार देती है मेरे को प्यार कह नहीं देता तू चक पाती मैं को छोड़ पहले बर्तन धो बोला ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जाएंगे। हाँ एक सिस्टर बोल रही थी कि अलीपुर क्या करने जाओगे अलीपुर हम नहीं जाएंगे हम बहावलपुर जाएंगे मौसम था वो देखो अम्मी की हेल्प कराओ अम्मी की हेल्प कराओ काम करवाओ जल्दी जल्दी से काम करवाओ पूछो बात सुनो हाँ बात सुनो अम्मी को लो पूछो कि मैं क्या काम करवाऊँ वो अम्मी आपको बताएगी वो काम करना फिर क्या काम कराओ हाँ। काम कराओ थी वहाँ अम्मी जान आप देखो ना खुश हो रही है ना बस अब जपिया छोड़ो बात सुनो अमीना अम्मी क्या कहती है बर्तन धोवो हाँ वो कपड़े सिलाई मिल जाएंगे आप हाँ चलेंगे फिर जल्दी करो अहमद बुला रहे थी ना कैरी गिना हाँ ढेर पैसे अब आप काम करो वो जल्दी से बर्तन धो लो अरे तेरी शादी कुछ 34 साल थी क्या 35 साल हाँ बस जल्दी करो आप बर्तन धो चलो शाबाश शाबाश जल्दी करो बर्तन धो खादी हाँ मल्टे खोसू जल्दी कर बर्तन धो जल्दी कर शाबाश शाबाश हाँ शुक्र है मान गई चलो शाबाश आदि भाई को चौहट लगी हाँ चौहट लगे चलो चलो शाबाश शाबाश जल्दी जल्दी से ये बर्तन आप जल्दी जल्दी धो दो साफ सुथरे करके जल्दी ले आओ ठीक है हाँ जी मैं चलता हूँ फिर जल्दी धो के आओ चलो जी शुक्र है मान गई प्यार प्यार से मान जाती है प्यार से इसको कोई भी काम करा लो चाहे जितना भी मुश्किल हो कर लेगी लेकिन गुस्से में ना नहीं भाई गुस्से में किसी की ना सुने अब देखो वो लग गई है अब धो देगी हो गई सेटिंग हो रही है ऊपर वाले ये तो पहले का लगा हुआ था और यहाँ पर देखें ये बर्तन वगैरह ये सब इस जगह पे भी ये देखें यहाँ पे भी रख दिए हैं ये अब मजीद जो है उधर और सेटिंग की जा रही है मेरी अमीना भी सब बर्तन धो के आ गई ये बड़ा पतीला है हाँ ये बर्तन धो के आ गई हो भाई मैं सदके मेरी अमीना उत्ते देख इसका सिर्फ ना इसको देखना था कि ये कहा मानती है या नहीं बड़ी प्यार से मैंने इसको आपकी तो जरूर मान जाती है हमारी मैं सुबह से बाकी वीडियो में मैंने बोला था अमीना हाँ। बर्तन धो लो कि मेरे साथ हेल्प करवाओगी नहीं चकना पावी वो पहले मरीज है अच्छा कपड़े हाँ अमीना बात सुनो अब ना आप सुकून से बैठ जाओ ठीक है एक नई मशीन सारे बर्तन धो दिए सारे या भी पड़े हैं ये है बस खत्म हो गए अच्छा मम्मी धो आई थी और इधर से क्या हुआ वो आटा को दूध के पैसे दे दिए हाँ दे दिए डरा रहा था अब मैं या तो मैं ऊपर चढ़ूं या इधर रखना है सामान चलो रख देते हैं अबू जान ने मुझे बुलाया है अबू जान कहते हैं कि जल्दी इधर आ और मुझे ना नेबुलाइजर वो मशीन जो है नेबुलाइजर
वो लगा, तो अब चलते हैं फिर अबू जान को वो मशीन लगाते हैं। और उधर ठक ठक हो रही है, वो रोटियां पका रही है, और इधर जो है अमीना अपने काम में लगी हुई है और अबू जान ये खाना खा रहे हैं। अभी खाना खा रहे हो तो वो मशीन फिर लगानी है, चलो खाना खा लो फिर लगाते हैं। अम्मी जान जो है उधर किनो माल्टे खा रही है और अमीना अपने काम में लगी हुई है। अबू की टीवी चल रही है और इधर कॉपीराइट आ जाएगा, फिर हम कहेंगे वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इधर रोटी पक रही है। हाँ जी। और आपने खानी है? नेवर, नो, नहीं, नॉट, नहीं खानी। नहीं, क्या वजह? बिकॉज आई एम फुल। अच्छा, यस। किन्नू खा लिया अपना सुबह? यस आई ईट। और क्या बोलो, ओ तेरी आंख तो ऐसे जलती है जैसे बिल्लियों की बलती है, ऐसे तेरी आंखें जैसे आंखें। अच्छा, और नात सुनानी है, टाइम बहुत हो चुका है, और नात सुनाओ। अच्छा ठीक है, वो वाली सुनाओ, वही जो मुझे अच्छी लगती है। जाओ उसको बंद करो। हाँ, अब उसको बंद करके खड़ा दो, सुबह देखूंगी। जो जो वो अगले दिन सुनाई थी, जो अगले दिन सुनाई थी, नहीं, अंडे वाला आ गया। वो ना आपने वो लगा दिए थे ना साथ में सॉन्ग, आज नहीं लगाऊंगा। तो ऐसे जोर से सुनाना और ऐसे जबरदस्त अंदर से जुनून निकालना है आज आपने। अच्छा, वो ना सुनानी है, फिर सुनते हैं। जल्दी करो, इसको आखिरी रोटी है, एक अभी रहती है, एक और चाय बनानी है। चाय बना लूं या बाद में? पहले ना सुना दो, फिर चाय बना लेना, नो टेंशन। अभी अब्बू खाना खा रहे हैं, फिर ना सुनाओगी, ना सुनाने के बाद फिर मैं अब्बू को मशीन लगाऊंगा, मशीन लगाने के बाद। ओके, तो जी दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अपने ही रूम में और आप सबको सुनाते हैं नात। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी नात। आपने रहना है साथ, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, पूरी नात सुननी है, फिर वीडियो का एंड कर देंगे। ओके, हो गया। और बेगम साहिबा जो है देखो इधर अपने बिस्तरे वगैरह सब पहन रही है, अब सर्दी लग गई है और नात सुना रही है। वाह, क्या बात है बोनस की, क्या बात है बोनस की। हाँ, वो आती है ना, ऐड चलते हैं टीवी पे, वो कहते हैं वाह क्या बात है बोनस की, तो वही क्या बात है आपकी। और सुनाओ नात, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं खुदा जब तुम से फरमाए
सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आज बेगम जो है उठ के इसने नात पढ़ी और नात भी माशाल्लाह इतनी प्यारी कि खुद को भी फील होने लग गई नात माशाल्लाह। बहुत प्यारी नात थी और उम्मीद है कि आप लोगों को ये नात अच्छी लगी होगी। नात अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय। और बताता चलूँ मैं बेड पर इसलिए बैठा हूँ, ये उधर खड़ी हुई है, ये इधर बैठ के कहती है मैं, मुझे हंसी आ जाती थी मुझे देख के, इसलिए फिर उधर खड़ी होगी, मुझे बोली कि सामने बैठ जाओ। हाँ, जब ऐसे तो मैं सारा दिन पढ़ती रहती हूँ तो मेरी आवाज़ जो है ना वो मतलब के नात की जब होती है ना तर्ज वो होती है, लेकिन पता नहीं आपके सामने वो होता है ना, जैसे कि आप मेरे हस्बैंड हो तो आपके सामने मैं कोई मतलब नात पढ़ने लगूँ ना तो मतलब के वो मेरी वो तर्ज जो है ना वो फिर चेंज हो जाती है, सही नहीं आती। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अब बाय, अल्लाह हाफिज़।